शाम के जो इवेंट्स लाइट्स वाइट सारे लग चुके हैं। हाथ उठाए यहाँ अंडर आर्म्स हल्का सा फट गया। वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। गो मम आ गया तो रोना काट दे। बहुत सारी चीजें होने वाली है। अभी हम जा रहे हैं, आप पीछे मत देखो, आप आगे देखो, ये हमारा कैंपस है। यहाँ पर ना भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम अभी फट से जाएंगे भाई, मस्त बैटिंग बॉलिंग करते हैं, उसके बाद ही बहुत सारी चीजें प्लान्ड है। आज जन्माष्टमी है इसलिए कॉलेज ऑफ है, इसलिए सारे बच्चे यहाँ पर अंदर क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं। भाई डन विद द क्रिकेट मैच और अभी यहाँ पर आ गए हैं मंदिर, एंड मंदिर के साथ साथ ना स्नैक्स कर रहे हैं, कोल्ड कॉफी एंड मैक्स प्रोटीन का ये कुकी बार। भाई प्रोटीन इनटेक प्रॉपर होते रहना चाहिए। आज शाम के जो इवेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम, महाआरती, म्यूजिक एंड डांस, ये प्रॉपर 11:30 बजे तक सारे इवेंट्स चलेंगे, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। यहाँ पर लाइट्स वाइट सारे लग चुके हैं, शाम को बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और आज शाम का एंकरिंग हम ही कर रहे हैं, तो भाई आपका भाई है तो माहौल तो बनेगा ही। A few moments later. So guys, बज गए हैं शाम के 6:30 and we are all set. और भाई देखो ये व्हाइट शर्ट पहन के हम जा रहे हैं, तो खरीदे हम ये थे, ठीक है, पर ये हो गया मेरे को बहुत ज्यादा टाइट। भाई ऐसे हाथ उठाए यहाँ अंडर आर्म्स हल्का सा फट गया, तो भाई मैं क्या बात है। अच्छा कोई कोई नहीं बताएगा, आप लोग किसी को बताना मत, ठीक है। हाँ मतलब सिलाई हो गया, ठीक है। और हाँ तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है मंदिर, हम लोग बेसिकली अभी इस मंदिर पे जा रही है वाले मंदिर पे, ठीक है। उंगली देखो भाई, तो पता ही है ना बॉल लगकर टेढ़ा हो गया था, अभी भी सीधा नहीं हुआ। चलो लेट्स गो। तो भाई वी आर बहुत ज्यादा लेट हो गए यार, और मेरे को होस्टिंग करना था, 2-3 प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है, पता नहीं कितना करने मिलेगा। पर यहाँ पर भीड़ देखो, सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ से आ रहे हैं, एंड ये देखो प्रॉपर भीड़ है भाई, देखो भीड़ बहुत ज़्यादा, मतलब माहौल अच्छा होने वाला है, एंड आगे का माहौल तो आपको भाई बना ही देगा, राइट। तो भाई ये माहौल है यहाँ पर मंदिर में, एंट्री देखो अंदर क्या क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, कैसे डेकोरेशन हो रहा है, डेकोरेशन है। अभी फिलहाल वी गो टू आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो की है शिवांशी गुप्ता की तरफ से, सो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिवांशी गुप्ता। भाई ग्रेटर नोएडा जेएनयू तक, जेएनयू तक, जेएनयू तक जाने चाहिए। ले जाओ, ले जाओगे? हाँ आराम से। आसान होता नहीं है फर्स्ट ईयर में आकर इतना कॉन्फिडेंस के साथ इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना। एक बार भाई अपने व्लॉग के कंटेंट के लिए, सो 3-2-1 गो। यू गाइस आर अमेजिंग, मजा आ गया। यहाँ पर आप क्राउड देख लो, क्या सही क्राउड बना हुआ है। एंड भाई आई सेड ना, मेरे को एंकरिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस। भाई मेरे को शर्म डर वर कुछ नहीं है भाई। थोड़ा पास आ जाओ, माइक इतना लंबा है नहीं, सॉरी। ओके सो देखो, अगर मैं आपको नहीं बताता कि ये यहाँ की डांस कोऑर्डिनेटर है, तब भी डांस मूव से तो आपको पता चल ही जाता। भाई पसीना देखो, लथपथ हो गए पसीने से। एक तो ट्रेजेडी है कि भाई माइक भी काम नहीं कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर मतलब अपने गले से बोले हैं, तो थोड़ा सा माइक ने धोखा दिया। फिर मेरे मन आ गया तो रोना काट दूंगा। आपको किसमें लॉलीपॉप में करना है? नहीं भाई, आपको कैसे मालूम? मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ, आपके चेहरे के चमक से पता चल रहा है आपको लॉलीपॉप में डांस कर। मैंने दूसरा ले लूंगा, चलेगा।
कोई दिक्कत नहीं। आपको कब करना है डांस? अभी करना है? अभी आर्थिक बात होगा ना सर? हाँ होगा होगा। कोई गाना आपको चाहिए सब चलेगा, कोई टेंशन नहीं, आपका भाई खड़ा है। कोई दिक्कत हो मेरा नाम ले लेना, बस मैं नहीं आऊँगा, मैं भाग लूँगा। ओ लाइव लाइव, क्या बात है। ये वन ऑफ द स्वीटेस्ट बंदा ऑफ आर कैंपस, नाम बताओ। वंश शिखर वंश में डीवीएड थर्ड ईयर। इज इट? अरे वाह वाह। चैंपियंस आपको एक क्यूट लिटिल कन्हैया से मिलाते हैं। क्यूटी हाय, कितना हाय बोल रहे हैं पर हाय बोल तो हाय बोल रहे मेरे भाई। इतना ज़्यादा डरा हो, डर गया भाई, बच्चा डर गया लिटरली। बियर्ड, ऑल अबाउट बियर्ड भाई, दाढ़ी के वजह से भाई। अब प्रॉपर यहाँ डीजे नाइट स्टार्ट हो चुका है तो भाई भाई भाई। यहाँ पर चल रहा है देखो क्या मीडिया कवरेज भाई, सुपर गर्मी भाई, एकदम पसीने से लथपथ हो गया, प्यास लग गई है, बट जो वाइब है यहाँ पर भाई, रुकने का मन नहीं कर रहा। हाय बोल दो। हेलो, सब्सक्राइब शाबाश। प्रॉपर पूरा खाली हो गया है बेसिकली, अभी 9 बज गया ठीक है, एंड सब लोग जा रहे हैं, मोस्टली सारे गर्ल्स जा रहे हॉस्टल पंच करने, अपने अटेंडेंस लगाएंगे, एंड देन अगेन लड़कियों को छोड़ दिया जाएगा। आज वो लोग रात भर बाहर रह सकते हैं क्योंकि आज 12 बजे कृष्ण जी का जन्म हुआ है। सो ये अब आज के लिए स्पेशली, नहीं तो ऐसे 9 बजे तक भाई ये एंट्री टाइम होता है गर्ल्स का। जा रहे हॉस्टल डिनर करने, डिनर करके फिर से वापस जाएंगे, एंड 12 बजे केक कटिंग होने वाला है। और ये हमारे रूम पार्टनर और फिर से भीड़ होना स्टार्ट हो गया है। जान कर आज ना सबसे गंदा वाला चप्पल पहन कर आए हैं, ये पता है ना मंदिर का चप्पल नहीं रहता अगर अच्छा चप्पल पहन कर आओ। यार व्हाट अ फीलिंग, व्हाट अ फीलिंग, क्या मजा आ रहा है यार। कौन लिया? क्या हो गया? चल चलो आते ना, यहाँ पे बैठना, बहुत सही वाइब आ रहा है। क्या सही फील आ रहा है। 11:59 हो गया, सिर्फ एक मिनट बाकी और अभी केक कटिंग होने वाला है, तो देखो यहाँ पर क्या चीज है। चैंपियंस इसी के साथ वी आर गोइंग बैक टू आवर होस्टल। कैसा एक्सपीरियंस रहा जन्माष्टमी का? अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। यू कैन जॉइन शारदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पढ़ाई के साथ फन भी बहुत ज्यादा है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कॉमेंट करो, एंड क्या करना भाई? सब्सक्राइब टू माय बॉय, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है? चलो बाय।